नमस्ते दोस्तों, आज हम सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ए और बी जो है टू इनेंसियोमेरिक हेलिकल पेप्टाइड है, तो उसका कैरिलिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। नीचे आपका चार ऑप्शन है, स्पेक्ट्रो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एडमन सिक्वेंसिंग एंड सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2016 जून में पूछा हुआ है CSIR में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दो हेलिकल पेप्टाइड है जो आपस में इनेंसियोमेरिक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंडेड प्रोटीन है हेलिक्स, और ये आपका राइट हैंडेड है। ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, और इसके जो रिलेशन है ये इनेंसियोमेरिक है। जैसे कि मिरर इमेज में आप देख सकते हैं कि इसका ये जो नीचे है पीक कर्व, ये यहाँ पे ऊपर है, एक दूसरे के अपोजिट है, मिरर इमेज है। और इसी प्रकार से एल पेप्टाइड और डी पेप्टाइड आप देख सकते हैं, ये रिट्रेन वर्सो डी पेप्टाइड भी बोलते हैं इसको, और ये एक दूसरे का आइसो इनेंटोमेरिक हेलिकल पेप्टाइड है। और कैरिलिटी जो होता है वो हम डिटरमाइन करेंगे। तो कैरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड या प्रोटीन की, उसके स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, यदि एल लेमोनिन जो नींबू में होता है, वो यदि डी हो जाए तो वो संतरे में होता है, कितना फ्लेवर में चेंज आ जाता है। तो आगे हम इसका देखते हैं कि कौन सा इन चारों में से ठीक होगा आंसर। तो पहला क्या है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन कंसनट्रेशन, और या किसी भी मॉलिक्यूल ड्रग का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना हो तो आप यूवी का यूज कर सकते हैं। और फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका जो यूज होता है वो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए स्मॉल कंपाउंड या प्रोटीन में तो हम फाइंड आउट करते हैं। और इडमन सिक्वेंसिंग एमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू पेप्टाइड का आइडेंटिफाई करता है। इन तीनों का रोल कायरलिटी में नहीं के बराबर है फाइंड आउट करने में। तो सर्कुलर डाइक्रोइज्म इसके लिए हम यूज करते हैं, इसका मेन ही काम यही है, कैरिलिटी स्ट्रक्चर फोल्डिंग अनफोल्डिंग का डिफाइन करना, कोई मॉडिफाई हो गया है प्रेशर या टेम्परेचर या पीएच पे तो उस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा बीटा सीट रैंडम कॉयल, ये सब सारा आप यदि स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो प्रोटीन या किसी मैक्रोमोलिक्यूल के डीएनए आरएनए का, तो हम सीडी यूज करते हैं। ये डिफाइन करता है कि ये जो आपका, चलिए हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। जब हम कोई लाइट सोर्स यूज करते हैं उसको पहले हम मोनोक्रोमेटिक बनाते हैं वाया मोनोक्रोमेटर से, फिर उसको पोलराइजर बनाते हैं वाया पोलराइजर से, और फिर उसको सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट में तब्दील कर देते हैं बाय यूजिंग द पोलराइजेशन मॉड्यूलेटर। जब आपका ये लेफ्ट एंड राइट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट बन जाता है तो ये आपका सैंपल से क्रॉस करते हैं तो सैंपल इसका कुछ लेफ्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ राइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको एक जो पीक में तब्दील होके ये देता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि सीडी सर्कुलर डाइक्रोइज्म ऑफ दैट सैंपल या प्रोटीन। तो ये प्रोटीन है एल और टी पेप्टाइड, इस दोनों में आप देख सकते हैं कि क्लियरली कितना डिफरेंस है। यदि हम बात करें, ये एल फॉर्म जो है ये आपका मान के लिए 0 है, और ये वाली लेंथ 210 से 230 के बीच में जो डी पेप्टाइड है वो मैक्सिमम है, और वही मिनिमम है एल वाला लगभग में 215 के 20 के बीच में। तो इससे हम एल और डी का डिफरेंशिएट कर सकते हैं एल राडा 6 प्रोटीन के सैंपल में। और फिर अगला इसका जो यूज होता है सीटी का फॉर डिटर्मिनेशन प्रोटीन फोल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल चेंज ड्यू टू टेम्परेचर पीएच सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम एट 4 पीएच एंड 6 पीएच, 6 पीएच पे स्टेबल रहता है, फंक्शनल होता है, जब पीएच चेंज होता है तो ये डिनेचर हो जाता है। तो इसका भी पीक आप देख सकते हैं कि सीटी से हम कितना अच्छे से, यही यदि आपको सैंपल में दे दिया गया 4 पीएच या 6 पीएच हम नहीं बता सकते, लेकिन इसका हम सीडी से आराम से बता देंगे कि ये स्टेबल है
और ये नॉन। थैंक यू, इतना ही आज के वीडियो में। देखने के लिए आप लोग सभी का धन्यवाद।